अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बनाई थी जैसे मेरी सरकार गई, योजनाएं बंद। याद रखना झारखंड वालों, भाजपा की सरकार नहीं आई थी, महागठबंधन वाले इन सारी योजनाओं को बंद कर देंगे। ना लाडली लक्ष्मी योजना बचेगी, ना सुकन्या योजना बचेगी, ना एक रुपया में रजिस्ट्री होगी, ना किसान के खाते में पैसा जाएगा, ना गरीबों के मकान बनेंगे। सारे काम वहीं के वहीं रह जाएंगे। और विकास की जो यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, रघुवर दास जी ने शुरू की थी, वो वहीं के वहीं रह जाएगी। आज दिल पर हाथ रख के बताना, नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्वसनीय नेता कोई है क्या? अरे है क्या कोई? जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के भगवान का वरदान है। वर्षों से पड़े बड़े बड़े मुद्दे, अरे अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे राम मंदिर बने, बताओ ये हम सब चाहते थे कि नहीं? इतने साल तक ये मामला भी टाला तो कांग्रेस ने टाला, लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी, जो असंभव था उसको संभव कर दिया। अब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा। मोदी है तो मुमकिन है। अरे जोर से बता, मोदी है तो मुमकिन है। ये नरेंद्र मोदी, भारत 370 कब से लगी? एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान। कश्मीर को एक नहीं होने दिया, कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। लोग कहते थे ये धारा 370 तो नारा है, कोई हटा थोड़ी सकता है। कांग्रेस को लोग कहते थे आग लग जाएगी, मर जाएंगे, खून बह जाएगा, पत्ता तक नहीं हिला, और कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई। मोदी है तो बिना मोदी के होता क्या? और अभी जिस बिल पर चर्चा हो रही है, नागरिकता संशोधन बिल, मेरे बहनों और भाइयों, वो बिल क्या है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम तो बंदों में नाला में बैठे हुए हैं, हमारे कई भाई बहन पाकिस्तान में हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहां तक ईसाई भी हो, उनके साथ कैसा जालिम व्यवहार हो रहा है? अपहरण कर लिया जाता है बेटियों का, जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, निकाह कर लिया जाता है, संपत्तियां लूट ली जाती है, मकान जला दिए जाते हैं, वो नारकी जिंदगी जी रहे। मैं जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, इंदौर में सिंधी भाई आए, बहनें भी थी, बेटियां भी थी, वो वीजा लेके पाकिस्तान से आए थे।